द्रौपद चाल मेरे संग में, अरे वो अंधे का अंधा याद करे। अच्छा हाँ, वो अंधे का अंधा याद करता है। हेलो, मेरे बड़े भाई प्रतापी राजकुमार दुर्योधन ने हेलो आपको उस भरे महल के अंदर बुलाया है। अच्छा, उस सभा के बीच में बुलाया है। पर क्यों? और मुझे ये आदेश दिया है कि दुशासन जाइए, द्रौपदी को इस दरबार में बुला के लाइए। अगर राजी राजी आती है तो ठीक, वरना गैर राजी उसके केस पकड़ खचेड़ता हुआ ले आइए। अच्छा हाँ, यानी कि तुम मुझे खचेड़ते हुए ले जाओगे? नहीं, पहले तो निवेदन कि बड़े भाई प्रतापी राजकुमार दुर्योधन ने आपको बुलाया। अगर मैंने आपका निवेदन स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने भाई का निवेदन तो स्वीकार करके आया हूँ। मुझे आपको किसी न किसी कीमत पे आपको ले जाके उनके बीच में पेश करना पड़ेगा। मैं उस सभा में, उस मर्दों की पंचायत में नहीं जाऊंगी। थोड़ी सी और आवाज बढ़ा दे अलील के। वो मर्दों की पंचायत तो है ही हाँ। लेकिन उस सभा के बीच में आपको आज जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर आप राजी राजी नहीं चलते हाँ, इस मोटे को भी ज्यादा तो गैर राजी में लेके जाऊंगा। आपने सुना होगा सजनों महाभारत के किस्से की ये बात, दुशासन अपने बड़े भाई का हुकुम मान द्रौपदी के महल में पहुंचता है। पहले निवेदन करता है, अगर नहीं मानती तो फिर गैर राजी से ले जाने की बात करता है। अच्छा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको मेरे साथ भरे दरबार में चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहना चाहता कुछ कहो फिर मेरी सुनो देवर। अंधे का अंधा याद करे। तो मेरी भी सुन ले देवर। जिसको आप अंधे की अंधी संतान बता रहे थे, अच्छा आज वही अंधे के आंख लग गई है। वो आज भरी सभा के बीच में आपका नृत्य देखना चाहता है। अच्छा, और आपको बुलाना चाहता है भरी पंचायत के बीच। अगर आप राजी चलती है तो ठीक, वरना गैर राजी आपके केस पकड़ के उसके बीच पेश करना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। कही अपनी बात। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। तो पतचान मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। अच्छा इज्जत की बात करती है। हाँ, मैं इज्जत की बात करती हूँ। आपने उस दिन इज्जत नहीं की अपने जेठ की, जिस समय इंद्रप्रस्थ के उस मायावी महल में हमारे बड़े भाई प्रतापी राजकुमार पैर रपट के गिर पड़ते हैं। हाँ। आपने ताना मारा के अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, लेकिन आज उस अंधे के आज पूरी आंखें आ गई हैं। पूरा त्योहार भोल बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरी बात सुन देवर। आज वो आपका नृत्य उस भरी सभा के बीच में देखना चाहता है। आज उसी बेइज्जती का बदला आपसे लेना चाहता है। आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा मुझे आपको जबरन ले जाना पड़ेगा। अरे तू, तेरा भूत प्रेत भी आ जाए मुझे जबरन लेके जाए। अच्छा सुन, मेरी इज्जत की बात करती है। इज्जत की बात करती हूँ क्या? तमीज में। अच्छा सुन ले। बात करे री तू इज्जत की बात करे री के तू इज्जत ने के जाने री तू इज्जत ने के जाने। अरे तेरे द्रौपदी रसन में नहीं सेड़ा कर ले। हाँ, जितना ठंडा खाएगा उतना तेरे पेट को शांति मिलेगी। अच्छा सुन, सेड़ा कर ले ठंडा कर ले मुंह जल जाएगा। खाया कर के गरम नहीं सेड़ा कर ले मुंह जल जाएगा। खाया कर के गरम नहीं। इन बातों से कदे द्रौपदी
मेरा हृदय होता नरम नहीं। तन बहु बेटी ने बुरी तको सा यो छतरी का धर्म नहीं। तन बहु बेटी ने बुरी तको सा यो छतरी का धर्म नहीं। हर मन हलका रा मत ना जाने री हलका रा मत ना जाने अरे मत जाता बकवाद करे सर पड़ जाती तू शासन मत चाहता घड़ी अनाद करे मेरे सर आने जाने तू शासन तू मत घड़ी अनाद करे हो हमारी खता बता रही है। हाँ, सारी की सारी तुम्हारी खता है। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन ले। बात कर रहे हो अंधों के अंधे की। हाँ, मेरी बात सुनो देवर। वो जेठ का महीना आता है ना, वो सारी जानती है। वो तो मैंने जेठ से थोड़ी सी मजाक करी थी, अब मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा मान जाएंगे हमारे जेठ जी। वह लोगो हाँ। ये जेठ के लिए मजाक कर रही है। अरे जेठ का तो महीना भी ऐसा होगा बिल्कुल घास भी फूंक दे है। अरे तू जेठ के लिए मजाक कर रही है, तो कलयुग चल रहा है, मॉडर्न जमाना है। देवर के साथ चल सकती है, मैं देवर लगता हूँ आपका। अच्छा। मेरे साथ हंसी मजाक होती तो बात देखी जाती। हाँ। लेकिन मेरे स्कूल के मेरे खानदान के प्रतापी राजकुमार उस दुर्योधन के साथ मजाक आपके शब्दों को शोभा नहीं देता। और आपने जो मजाक करी है हाँ। वो मजाक के वो शब्द वो बोल मेरे उस प्रतापी राजकुमार मेरे बड़े भाई के हृदय में वो तीर की भांति आज भी चुभे हुए हैं। अच्छा। वो आज अपने उन सवालों के और तेरे उन शब्दों का बदला आज उस भरी सभा के बीच में आपसे सवाल जवाब और अपनी बात पूरी करना चाहता है। मेरी बात सुन ले। क्या दे? सुन ले। क्या बात है? तुम्हारी अनाथ बतावे सेरी, तुम्हारी अनाथ बतावे सेरी, तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। तुझसे ज्यादा मारे कुल मारे, तुझसे ज्यादा मारे कुल में और पद जात लिखाई नहीं। तमीज से बोल। बिल्कुल तमीज में हूँ। भाभी हूँ तेरी। भाभी है बिल्कुल, समझता हूँ। बड़ी भाभी माँ समान होती है, पर कहते मम्मी जी। अच्छा हाँ। ये मम्मी जी कहलवाना चाह रही है मुझसे। इसे भाभी बड़ी भाभी माँ समान होती है नहीं होती है? इसे सभा में लिया। अम्मा कह रही है हाँ हो। इसे सभा में लिया, इसे सब कुछ कहवा देंगे थोड़ी देर बाद। कोई बात नहीं, तेरे को भी देख लूंगी आज सभा। ये बजरंगी है हाँ। चलता बजरंगी मेरे साथ। हनुमान हनुमान ये भी उसी सभा के बीच में हाँ। कुछ ना कुछ सवाल रखेगा अपने भी। अच्छा। और जो तेरे सवाल है उस सभा के बीच में करना। देवर तेरी भाभी लगती हूँ, तमीज से बोल। बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूँ, यहाँ जिरह करने का कोई मतलब नहीं बनता। ले दस रुपए और घर पूजा उसी सभा में, दस रुपए लेके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या अपनी बात सुन ले मेरी बात। राजू भारती दोबारा ना घुमा के। हेलो अबे ते प्रकाश यहाँ लड़ाई चल रही है यार, तुझे नाचने की बात आ रही है। जब नाचने का मौका बने खूब नाचना, तेरे ऊपर मैं भी वार फेर करूंगा। लेकिन जब बात कलेश की चल रही हो तो थोड़ा ध्यान लगा के बात सुनो जी बेटे। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो एक बार बैठो। आइए राजू भारती दूसरा ध्यान है। तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिला समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे
रात लुगाई नहीं। बेकायदे से मत बोले कुछ, खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे से मत बोले कुछ, खाती तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देख के, नंगा नाच देखेंगे हाँ। वो दुर्योधन जिसको आप अंधों का अंधा बताते हो, आज वो बिल्कुल आपका नाच देखना चाहता है, अपने सवालों का जवाब लेना चाहता है। सुन ले हाँ। अरे तेरा नंगा नाच देख राजा दुर्योधन परमा दे करे, नहीं किसे में जोर ईसा जा गंगा जी में गाद करे। अंधे का अंधा याद करे, सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। सुषमा की कहन पूरी होगी, सुषमा के लिए कूलर आ गए। नहीं भाई बहुत बढ़िया, सुषमा तेरी बात का असर होगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ सुषमा के लिए। अरे सुषमा के कमेटी वालों का हमारे सबका धन्यवाद है। व्यवस्था तो पहले ही हो जानी, लेकिन यह है इन गाने बजाने वालों पर कोई त्रुटि रह जाए इन्हें समझा देना। और भैया देखो कालू भाई, तुम्हारे छोटे भैया आ गए, उनसे पैसे ले लो। बटे बैठ जा, ये छोटा भैया बड़ा मेरा। और ये हमारे अमन सिंह जी, अमन सिंह जी 500 रुपए देते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हो जी हाँ। कहते कहते मूंड मरे तेरी जीभ बहुत आज भी चल रही है। मेरी जीभ तो बहुत दिनों से चल रही है, बहुत लंबी है ना, इसलिए जल्दी चलती है। थोड़ा लहजे में और तमीज में बोलना सीख ले। देखो देवर जी, अच्छा जी की भाषा का प्रयोग हाँ। जब ऐसे ही जी और अजी लगा के बात करें तो काहे को ये कलेश हो। मेरी बात सुन, अगर आप देवर जी कह रही है तो हाँ। आपको उस दिन भी जेठ जी को जेठ जी कहना था। अच्छा, लेकिन अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, ये शब्द कहीं ना कहीं अशोभनीय है। अरे मैं कह तो रही हूँ, मैंने मजाक किया था, मजाक। जेठ के साथ में कभी मजाक नहीं होती। मेरी बात सुन ले, आज अगर तू मुझसे भी इतनी जिरह कर रही है तो तुझे किसी ना किसी बात का गुमान है, तेरा गुमान उतार देंगे। सुन ले मेरी बात, कह दे अपनी बात। बहुत अच्छे, नाच नचावेंगे। कौन नचने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचने वाले हो जब बचावेंगे। भरी सभा में नंगी करके अरे कैरव खेल खिलावेंगे। षष्ठी के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। षष्ठी के रचने कौन दया जल्लाद करे। पहले तो तेरे जैसे मुजरिम परी जल्लाद करे। तेरे जैसे मुजरिम परी। रुक जा, तुम भाई चेन्नई एक्सप्रेस तेरे भग रहे हो, रुक जाओ। तेरे जैसे मुजरिम परी, तेरे जैसे मुजरिम था हाँ। मैंने मुजरिम बता रहा है, मुजरिम है तू। पहले तो हाथ लग रहा, डोंट टच माय तन बदन। बहुत बढ़िया, तन बदन ये देख लो, बदन। द्रौपदी इंग्लिश भी बोल रही है, और इंग्लिश तो मुझे बहुत आती। एक अब, दो, अब कुछ अब क्या क्या कर रहा है तू। एक दो पढ़े लिखे आदमी हमारे धोरे भी है सवाल जवाब करने को। खैर हम तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दो चार आदमी हमारे धोरे भी है बैठे महाशय जी,
इन्होंने बहुत रचना लिखी है। ये कुछ ना कुछ सवाल जवाब आपसे कहोगे तो इंग्लिश में ही कर लेंगे। जब मेरे और तेरे में बातें हो रही है तो मेरे और तेरे में ही रहने दे, तीसरे बंदे को मत लगा। नहीं, तीसरे की वजह से तो आया ही हूँ। तीसरे की वजह से ही आया है? हाँ। अच्छा, उस दुर्योधन की वजह से आया हूँ। दोबारा क्या क्या कह रहा है तू? फिर कैसे लाना पड़ेगा राजू भारती? हो तेरे जैसे मुजरिम पे तेरे जैसे मुजरिम पे पत्ता कौन दया जल्ला दे करे, कौन दया करने वाले इस पर सब की मदद करे। स्वभाव जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे, द्रोपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। स्वभाव में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे, मैं स्वभाव में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। दूसरा लगी दिखावने, रूप दूसरा लगी दिखावने, तन पिछला बोया काट्या ना। सांप कहन में प्यारे देवर जाता दिल यो डाट्या ना। सांप कहन में प्यारे देवर जाता दिल यो डाट्या ना। अरे हमने करब कौन कहेगा जो तने थूक के चाट्या ना। ईश्वर की माया तरह देवर भेद किसे न पाट्या ना। ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाट्या ना। अरे पिछला बोया काट्या नारी, पिछला बोया काट्या ना। मत ज्यादा बकवाद करे, गुरुमान सिंह के भजनों ने नित रघुनाथ खराद करे। मैं स्वभाव में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे, फिर द्रोपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। मैं स्वभाव में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे, मैं स्वभाव में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। बहुत बहुत धन्यवाद।